और कराची से खबर है जहां इलाके नॉर्थ कराची में 2 रोज कबल कत्ल होने वाली 25 साला सबा के मामले में पुलिस ने सबा के शौहर समेत ससुरालियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे नुमाइंदा मानिया शकील इस वक्त मकतूला के घर पर उनके वालिद के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहना है इनके घर वालों का? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सबा के वालिद के साथ, जो क्या 2 दिन कबल जो है वह कत्ल कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनके घर जो है वह इस वक्त बहुत सोगवार है। कि नाखुशगवार वाक़या कैसे पेश आया इनके वालिद से ही जानते हैं। हफ्ते वाले दिन कोई मेरे पास 5:35 पे फ़ोन आता है कि जो है सबा जो है वो टेरिस से स्लिप होकर गिर गई है, और उसे हम अब्बासी शहीद अस्पताल ले गए। वहाँ से उन्होंने कहा कि हम ये केस को नहीं लेंगे, तो वहाँ से वो आगा खान ले गए। आगा खान ने उसकी मौत तस्दीक कर दी है। तो क्या ये बताइए, क्या उनके ससुराल में क्या घरेलू नाचाकी के वाकयात पेश आ रहे थे? उसके ससुराल में ये जो है उनके वालिद वालदा और उसके शौहर ने, ये अरेंज मैरिड थी, उसके साथ घर वालों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके मुंह पे थप्पड़ मारा गया था जिससे उसके कान से खून आ गया था। जी बिल्कुल, हाँ मैं इस वक्त सबा के वालिद के साथ थी। उनके वालिद का कहना है कि उनकी खुदकुशी नहीं थी बल्कि उनके ससुराल वालों ने उनको जो है तशद्दुद किया है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया मानिया शकील, अपडेट करी।